देख रंजी, मैं कहता हूँ देख रंजी, देख, ये होटल है ना, ये तेरे दिमाग से नहीं चलने वाला। देख, तू भी सुन ले, ये जो होटल है ना, तेरे आइडिया से नहीं चलने वाला है। मतलब तू नहीं मानेगा? मतलब तू भी नहीं मानेगा? मतलब तू मानेगा ही नहीं? मतलब तूने तो ये कह दिया तू मारेगा ही नहीं ना? मतलब तूने डिसाइड कर लिया कि तू मेरी बात मानेगा? मतलब तेरा तो फैसला हो गया कि तू नहीं मारेगा मेरी बात? ठीक है, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना तू? ठीक है, नहीं तू नहीं मानेगा ना? ठीक, फिर वो सर्वे करके आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि ये होटल जो है तेरे दिमाग से चल रहा है कि मेरे आईडिया से चल रहा है। ठीक है, तुमने कभी होटल हिंदुस्तान का नाम सुना है? उस होटल से तो अपन डेली सवारी उठाता है, हर पैसेंजर अक्खा रास्ता एक ही बात बोलता, उधर किसी को दिमाग नहीं है। तुम्हारे होटल के कस्टमर हमारे यहाँ आके बोलता है इलायची खा के, पूछो का यही कि तुम्हारे होटल में का खिचड़ी पकत है, कोनो को कोई आइडिया ही नहीं है चूना लगा के। वो सर्वे करके आ रहे हैं, तुझे भी पता चल जाएगा ये होटल मेरे दिमाग से चल रहा है कि तेरे आइडिया से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आज आइडिया का आइडिया और दिमाग का दिमाग हो जाएगा। सवाल पूछते हैं, मुर्गा अंडा नहीं देता, अंडे नहीं देता, माल है? एक्सक्यूज मी मुर्गी वाले भाई साहब, आप ये मुर्गियाँ कहाँ ले जा रहे हैं? वापस ले जा रहा हूँ। वापस ले जा रहे हो, क्यों? होटल में जाने को तैयार ही नहीं है। अरे ये होटल में जाने को तैयार क्यों नहीं है? किसी के पास दिमाग ही नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए भाई साहब, इस दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा? ये सवाल तो मैं होटल वालों से ही पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास दिमाग ही नहीं है। और हाँ हाँ, इस सवाल का जवाब देने के लिए तो मेरे पास भी दिमाग नहीं है, चलो चलकर किसी और से पूछते हैं। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे होटल के नाम, तुझको अल्लाह रखे, दे रे होटल के रहने वालों के नाम, दे दे होटल के भिखारियों के नाम, दे 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 दे। रुक भिखारी, इधर आ। और तू मुझे एक बात बता, तू भिखारी है कि पागल है? ओए हमारे होटल में कौन भिखारी रहता है? तू जिसके नाम पर भीख मांग रहा है, हाँ? अरे बच्चा, जिसके पास आइडिया नहीं है वो होटल चला रहे, हाँ? आज नहीं तो कल उनको भी मेरे साथ चलना है भीख मांगने के लिए। हाँ तो सुनो, डंडा क्यों मार रहे? अकेले आई। ओए ऐसे भाई के, ओए साढ़े सर्वे तो पता चला कि हमारे होटल में तो किसी के पास दिमाग ही नहीं है। क्या? हाँ, और ना ही किसी के पास आइडिया है। क्या? हाँ। अच्छा तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये होटल दिमाग से चल रहे के आइडिया से? अरे वो तो तुम दोनों को डिसाइड करना है ना। हम दोनों कैसे डिसाइड करें? अबे तेरे पास दिमाग है तू डिसाइड कर, और तेरे पास आइडिया तो तू डिसाइड कर। ठीक है, मेरे पास आइडिया है तो मैंने डिसाइड ये किया है कि अब इस होटल में है ना इलेक्शन होगा ये डिसाइड करने के लिए। तू कुर्ते में, वो क्या है ना कि मेरे पास पजामा था तो ऊपर से है ना कुर्ता पहन लिया, और तू पजामे में। मेरे पास ना कुर्ता था, मैंने नीचे से पजामा पहन लिया। ये तो मेरा पजामा है, है? ये तो मेरा कुर्ता है। मेरा पजामा दे तू। नहीं पजामा मैं पहले कैसे उतारूं? तू पहले कुर्ता उतार। नहीं तू पहले पजामा दे भाई। नहीं तू पहले कुर्ता दे। नहीं तू मेरा पजामा दे। बस बाद में एक दूसरे के कपड़े उतारना, पहले ये बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं बताता हूँ भाई, एक पार्टी कैसे बता सकती है तो दूसरी कैसे बता सकती है? तो ठीक है फिर दोनों मिलके बता देते हैं। आप बताना फिर। 1 2 3 इस होटल में दो दो पार्टियां बन गई हैं। मेरी पार्टी है दिमाग पार्टी, निशान है दिमाग, और मेरी पार्टी है आइडिया पार्टी, निशान है बिजली बल्ब का लट्टू चमकता हुआ। आपको ये डिसाइड करना है कि किसकी पार्टी में जाना है। ओ सर, हमारे कंट्री में बहुत सारी पार्टियां हैं, हम सब इंडिपेंडेंट क्यों ना रहे? भाई इंडिपेंडेंट पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? भाई बाद में ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओए हमने तो किसी को भी इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना है। और तुम लोग किस पार्टी में जाओगे ये भी हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे। वो क्यों? हम डिसाइड करेंगे हम किस पार्टी में जाना चाहते हैं। और डेमोक्रेसी में सब कुछ पार्टियां डिसाइड करती हैं। लोग तो वही डिसाइड करते हैं जो पहले से डिसाइड हुआ होता है। देखो ये काली पट्टियां है ना डिसाइड करेंगी कि तुमको किस पार्टी में जाना है। ये लो हम है ना तुम्हारी आंखों पे पट्टियां बांधेंगे। लो भाई एक पट्टी, दूसरी पट्टी,
तीसरी पट्टी। अब है ना, तुम तीनों जो है अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। तुम तीनों की आंखों में पट्टी बांधने के बाद हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। तुम तीनों, हम दोनों में से जिसको भी पकड़ लोगे वो उसकी पार्टी में चला जाएगा। ओए, हमारे इतने बुरे दिन आए जो आंखों पे पट्टी बांधकर हम पार्टी डिसाइड करेंगे? हम तो आंखें खोल के पार्टी डिसाइड करेंगे। हाँ, और लीडर वोटरों की आंखों में पट्टी बांधता है, इतनी बात नहीं समझते आदमी तेरे। चल भाई बांध पट्टी, और मेरी आंख पे नहीं अपनी आंख में पट्टी बांध। रंजीत, ये तो बड़ा हद बड़ा अच्छा खेल है भाई। मैं पूरा पूरा देश खेल रहा, हम भी तो खेलेंगे ना। ओए मेरी पार्टी में चलो भाई, सब काम तो ठीक हो गए। काम तो ठीक हो गए। अब है ना, इलेक्शन के दौरान इससे पहले हम है ना अपनी है ना आचार संहिता बना लेते हैं। इलेक्शन में अचार की क्या जरूरत है? ये अचार है ना, ये वाला अचार नहीं है, बल्कि ये अचार विचार वाला अचार है। मतलब ये कि इलेक्शन में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब तो फिर बता क्या क्या करना है। देख भाई, क्या क्या करना है ना, इसके लिए पहले ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि क्या क्या नहीं करना है। चल ठीक है, ये बता क्या क्या नहीं करना है। देख भाई, नंबर एक, तू वोटर के कमरे में है ना हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा। और तू? तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नंबर टू, तू है ना लाउड स्पीकर पे 11 बजे के बाद नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि वोटर है ना सो जाता है। तू नहीं चिल्लाएगा तो मैं भी नहीं चिल्लाऊंगा। नंबर तीन, तू वोटर को है ना वेलकम ड्रिंक दे सकता है, रिश्वत बिल्कुल नहीं दे सकता। तू नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूंगा। नंबर चार, तू है ना मेरा बूथ नहीं लूटेगा। भूत? भूत नहीं, बूथ। भूत? भूत नहीं, भूत। अरे डरा मत, मैं कुछ नहीं लूटूंगा। ठीक है, तो अब तू मेरे साथ है ना शपथ खा। खाली शपथ? आज खाने का प्रोग्राम नहीं। नहीं, आज शपथ ही खा बस। नहीं, मैं खाली शपथ नहीं खाता। भाई शपथ खा ना। नहीं खाता ना, पेट खराब हो जाएगा। शपथ खा, नहीं तो खिलाना, खिला। बोल, मैं होटल हिंदुस्तान की कसम खा के कहता हूँ, होटल हिंदुस्तान की कसम खा के कहता हूँ कि कभी घोटाला नहीं करूंगा इलेक्शन के दौरान। ठीक है, बाद में कर लूंगा। तू फॉरेन बैंक में अकाउंट नहीं खोलेगा? ठीक है, बाद में खोल लूंगा। अपनी पार्टी नहीं बदलूंगा? ठीक है, बाद में बदलूंगा। ठीक है, तो फिर बेस्ट ऑफ लक है। और जब सारे काम मैं बाद में कर रहा हूँ तो फिर बेस्ट ऑफ लक भी बाद में ही करूंगा ना। यारे भाइयों, मणजीत की पार्टी आपके लिए। दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा कि मणजीत के खिलाफ भाषण में लिखूं क्या। हो, ये सब क्या कर रहे हो? अब भाषण लिखने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अरे भाई, शाम को भाषण देना है तो भाषण पे ही टाइम वेस्ट करूंगा ना, और उस पे करूंगा। ये महान बड़े बड़े नेता होते हैं ना, वो अपना भाषण खुद नहीं लिखते। अरे खुद नहीं लिखते तो फिर भाषण देते कैसे हैं पब्लिक को? भाषण लिखने वाले किराए पर मिलते हैं। किराए पे कहाँ? ऐसा ही एक भाषण लिखने वाला मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। किसको? इसको। नमस्कार। बोल भाई लेखक, क्या लाया है? आप खाली ये बताइए, गालियां किसको देनी है? और राम दोते सोना जिसके पट्टे, गालियां किसी को नहीं देनी है, भाषण लिखना। एक ही बात है, भाषण देना किसके खिलाफ है? अपने प्यारे से दोस्त मणजीत के खिलाफ। मणजीत के खिलाफ? लो ये लो भाषण। अच्छा, अरे पर ये तो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में है पर भाषण हिंदी का है। अच्छा अच्छा, अंग्रेजी का भाषण हिंदी में, तब तो अच्छा भाषण होगा। भाषण लिखने में इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? मैं आपके लिए एक राइटर ले आई हूँ। नमस्कार। राइटर जी ऐसे हैं कि क्या पहले से तैयार थी? रखने पड़ते हैं सर, वो क्या है कि आजकल तो कभी भी और कहीं भी इलेक्शन हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ हो रही है वोटिंग। चलो आओ आओ, चलो चलो, वो कुर्सियाँ पड़ी है ना, वहाँ जाके बैठ जाओ सबके साथ। बैठो बैठो, आ गए सर, तू भी चल।
भाषण देने वाले आती हूँ, बस थोड़ी देर में। मर्जी वोटर, शक्ल से तो सारी वोटर लग रही है। लगता है ये तो मुझसे भी बड़े भिखारी है। तूने इसको भिखारी समझ रखे क्या? ओए तन्ने इसको भिकमंगा समझ रखा है? ओए हमको वोट चाहिए, वोट। नोट तो हमको बाद में मिल जाएंगे भाई। चल चल हट हट हट। ओए वोटर के साथ तुम ऐसा बिहेव करते हो तो मैं इनको ले जाऊंगी, फिर देते रहना भाषण। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हम तो इसके साथ कोई गलत बिहेव थोड़ा कर रहे हैं। हम तो इनको प्यार कर रहे हैं भाई। आजा आजा आजा, प्यार कर। हम इनको प्यार कर रहे हैं, देखो कितना प्यार कर रहे हैं इनको। मुझे भी प्यार करने दे, आजा भी आजा। बहुत प्यार कर रहे हैं। और बदबू टाइप खुशबू आ रही है। हां भाई, ये वोटर है तो बदबू तो खुशबू लगेगी ना। चल भाई चल, तू बैठ बैठ इसे यहां बैठ 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 बैठ। मेरा भाषण, थैंक यू। चल भाई शुरू कर। तो भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिमाग पार्टी है, इसके दिमाग का तो भट्टा ही बैठ गया है। वो दिमाग तो मेरी पार्टी। लेडीज़ो और जेंटलमैनो, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ। क्या वादा करता हूँ? मैं आपको वादा करता हूं कि इस इलेक्शन में मैं अपने दिमाग से आइडिया पार्टी को हरा दूंगा। अरे तो मेरी पार्टी है। सॉरी सर, लगता है आप लोगों के भाषण बदल गए। पता बैठ, इतना दिमाग है हमारे पास, इतना आइडिया है हमारे पास, बदल गए हमें पता नहीं। लेना पड़ता है तो अपना पड़ना। हाँ तो ऐसे है, होटल हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाई है दमन पार्टी ने। ये झूठ बोल रहा है। होटल हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाई है आरटीआ पार्टी ने। ये भी झूठ बोल रहा है। दिमाग पार्टी ने अपना आधा दिमाग जेल में गुजारा है। अरे आइडिया पार्टी ने तो सूली पे चढ़ते चढ़ते अपनी जान दी है कई बार। दिमाग पार्टी ने अपने दिमाग पर बहुत लटकाए हैं। आइडिया पार्टी ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। तालियां तालियां, दोनों पर तालियां तालियां। ये देखो आइडिया पार्टी है, इसका मुंह तो देखो, ऐसा लगता है घूस खाया बैठा है। ये देखो दिमाग पार्टी, इसका पेट तो देखो, ऐसा लगा कमीशन खा के बैठा है। हाँ, ये देखो इसको, देखो चारा खा के बैठा हुआ है। इसको देखो, देखो इसको, अरे सब कुछ खा के बैठा है लेकिन अभी भी भूखा है। दोनों को तालियां। आपको दिमाग पार्टी को जिताना है, आपको ये आइडिया पार्टी को जिताना है। दिमाग पार्टी, दिमाग पार्टी नहीं आइडिया पार्टी। दिमाग दिमाग पार्टी नहीं, दिमाग पार्टी नहीं आइडिया पार्टी। ये देखो ये निशान है बड़ा, ये देखो दिमाग पार्टी, आपको देखो। तूने देखा ये बेचारे दोनों कितने सीरियस और कितनी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ इतने सीरियस हैं कि आज उन्होंने ड्राई डे रखा है। ड्राई डे? हाँ ड्राई डे, यानी कि आज दारू बंद। वोट फॉर दिमाग। अरे राजा साहब, अपने आदमियों को बोलो ना वोट फॉर दिमाग ना, बोले वोट फॉर आइडिया, बोले वोट फॉर आइडिया। नहीं आइडिया नहीं, दिमाग दिमाग यार, समझो ना दिमाग। 205, 206, 207, 208, 209। रात को तेरी दारू का बिल किसने दिया था? रात को तेरे को पोएम की तरह रटाया था ना। इधर आ, इधर आ, अब उठ उठ कहीं का। 210, 211, 212, 213 और ये मेरा वोट 214। और रंजीते जरा अपने आइडिया से बता कितने परसेंट वोटिंग होगी होगी। नहीं भाई, नोट जेब में डालने वोटर तो थे 100% और जो है वोट डब्बे में डालने वाले वोटर थे 30%। 70% पता नहीं कहाँ चले गए। अरे वो तो उठे ही नहीं होंगे। अरे वो उठे ना उठे, तू अपना डब्बा उठा। ले उठा लिया। देख भाई कल होगा फैसला, जब खुलेगा ये डब्बा। ओए रब्बा। We'll be right back.
क्या कर रहे हो? ओए चोर 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 पकड़े। अरे लगता है ये बूथ कैप्चरिंग का दिमाग है ना तेरा है। मुझे लगता है ये तेरा आईडिया है। तेरे दिमाग पे ना मुझे पहले ही शक था और तेरे आईडिया पे मुझे कभी यकीन ही नहीं था। नहीं 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 सर, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं वोट काउंटिंग करके इलेक्शन में कौन जीता वो मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज देगा? अरे काउंटिंग अभी इसी वक्त होगी। अभी इसी वक्त? लेकिन सर सुबह के 3 बजे हैं। ओए 3 बजे हो कि 30 बजे हो, काउंटिंग अभी होगी। चल उठा सबको, सबको उठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबका भला कर दीन बंधु, अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट निकाल। भाई बड़जी, काउंटिंग तो पूरी हो गई, अब रिजल्ट है ना वो हमारी भाभी निकालेगी। ओए तानू दोनों नु वोट ते बराबर बराबर मिले, पर मैंने हुन ए दस्यो ते जीतिया कौन? भाई जब दोनों को बराबर वोट मिले हैं तो दोनों ही जीते ना, तो फिर लड़ाई करके फायदा क्या हुआ? हाँ लेकिन होटल में सरकार किसकी बनेगी? ओए जब दोनों जीते हैं तो सरकार तो दोनों की बनेगी ना। दिमाग की मिनिस्ट्री मैं बनाऊंगा, आईडिया की ये बनाएगा। भाई मैं होऊंगा पीएम और ये होगा सीएम। अच्छा तुसी पीएम ए सीएम, तो मैं की? तू सीएम की वोटी, पीएम की भाभी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैनु कोई पोस्ट नहीं दोगे ना, मैं तो सरकार ही गिरा दूंगी। मनजीते कोई मिनिस्ट्री एडजस्ट कर, सरकार गिरा देगी। ओए सुन, तू होम मिनिस्ट्री ले ले, होटल की होम मिनिस्ट्री तू संभाल। खुश? हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन देख तू हमें सपोर्ट करती रहना। ओए मेरा सपोर्ट तो हमेशा तुम लोग के साथ था और हमेशा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, दिमाग और आइडिया के बगैर ये होटल होटल नहीं है। ओए होए 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 होए, सीएम की वोटी ने क्या बात कही है। और सरकार चाहे कितनी भी बदलती रहे लेकिन होटल हिंदुस्तान की सरकार कभी नहीं बदलेगी। ओए होए 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 होए, सीएम के दोस्त ने क्या बात कह दी है यार, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होटल नहीं मिलेगा, लेकिन इस होटल में ना आपको पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। भाई जनता लोग जागो और ताली बजाओ।